Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your physics teacher and this is your physics book. Now students, today we are study about measuring instrument, screw gauge or micrometer. So students, प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने एक टॉपिक कवर कर लिया वर्नियर कैलिपर। आज दूसरा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज। जैसे स्टूडेंट्स आपको याद हो तो वर्नियर कैलिपर जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमने कितना पढ़ा था, 0.1 मिलीमीटर। अगर कोई चीज़ 0.1 मिलीमीटर से भी स्मॉल होगी तो उस चीज़ की हम मेजरमेंट किससे करेंगे, स्क्रू गेज से करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस लेंथ एंड डायमीटर एक्यूरेटली अप टू 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि कोई चीज़ अगर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी है तो उसके लेंथ और उसका डायमीटर मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के बजाय किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम 0.1 किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ जो है या उसका डायमीटर 0.01 मिलीमीटर होगा या 0.1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो हम उसके लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं इसकी, कि कंस्ट्रक्शन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड फ्रेम ऑफ मेटल, वन एंड फिक्स टू द फ्रेम एंड अदर इज मेड मूवेबल बाय मीन्स ऑफ एन एक्यूरेटली कट फाइन नट एंड स्क्रू। देयर इज अ स्केल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर विच इज कॉल्ड मेन स्केल। द स्क्रू इज वर्क बाय अ ड्रम विच कैरीज अ सर्कुलर स्केल ऑन इट्स इनर एजेस हैविंग 50 और 100 डिवीजन। इसके कंस्ट्रक्शन जो है वो अब हम डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं, जो आपके बिल्कुल क्लियर जो है वो सारी कंस्ट्रक्शन इसकी डायग्राम से सही समझ आ जाएगी। सो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया स्क्रू गेज की क्या है कंस्ट्रक्शन, इसके सारे पार्ट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है वो आपके पास इस तरीके का नज़र आता है। हमने कहा कि स्क्रू गेज जो है उसमें एक यू शेप का मेटल होता है, यानी कि इस टाइप का जो है एक मेटल होता है जो वो यू शेप का बना होता है, जैसे हम उसका फ्रेम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो है एक सिलेंडर होलो रॉड होती है, सिलेंडर होलो रॉड जैसे हम कहते हैं स्लीव्स। ठीक है, इसके ये जो स्लीव्स है ये मेन स्केल भी कहलाता है हमारा, जो स्लीव है ये जिस पे लाइनिंग हुई हुई है इसको हम क्या कहते हैं, इसका मेन स्केल भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा जो है वो मूवेबल स्केल है, सर्कुलर स्केल है जिसे हम थिम्बल भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या हुई हुई होती है, लाइनिंग हुई हुई होती है। यहाँ जो लाइनिंग हुई हुई होती है इसके मेन स्केल पे भी मेजरमेंट हुई हुई होती है। ठीक है, और ये जो थिम्बल है, ये जो मूवेबल है, इसके ऊपर भी लाइनिंग हुई हुई होती है। वो लाइनिंग का जो है वो कैसे होती है, 50 से 100 डिवीजन इसके अंदर जो है वो लाइनिंग हुई हुई होती है। ये जो ये यू शेप जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, इसका जो वन एंड है वो फिक्स्ड होता है और अदर जो है वो मूवेबल होता है। ठीक, और इस तरीके से स्क्रू होता है ना, एक स्क्रू को हम मूव करते हैं वो खुलता है, बिल्कुल इस तरीके से हम थिम्बल को मूव करते हैं तो ये स्क्रू की तरह क्या करता है, खुलता चला जाता है। उसके अलावा ये लास्ट में जो उसका ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम रैचेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपके पास मूव करता है। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसका एनविल कहलाता है और ये वाला पार्ट जो इसका वो स्पिंडल कहलाता है। ये जो होता है स्टूडेंट्स ये मूव नहीं करता, इसको हम बोलते हैं स्टड। ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना आपको, ये कहलाता है स्टड, ये मूवेबल नहीं होता। और ये वाला जो पार्ट है इसका कहलाता है स्पिंडल, इसे स्क्रू को हम घुमाते हैं ना वो मूव करता है। इस तरीके से हम इसको यहाँ से घुमाते हैं ना तो ये मूव करता रहता है और ये भी जो है पीछे चला जाता है और ये खुलता रहता है। यहाँ से इसको हम टाइट भी कर सकते हैं, यहाँ से उसको हम खोल भी सकते हैं। तो ये वाला पार्ट स्पिंडल कहलाता है जो कि मूवेबल होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये स्टड कहलाता है, इसमें हम किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं जो कि अनमूवेबल होता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज। ये क्या है, इसमें दोबारा अगेन आई रिपीटिंग यू,
ये एक मेटल का फ्रेम है, यू शेप का होता है। उसके अलावा इसके अंदर एक मूवेबल पार्ट्स है और एक अनमूवेबल पार्ट्स है। जो अनमूवेबल पार्ट्स है उसको हम कहते हैं स्टड भी कहते हैं और एनविल भी कहते हैं। उसके अलावा जो मूवेबल पार्ट है उसको हम स्पैंडल कहते हैं। उसके अलावा दो, जिसे वर्नियर कैलिपर में दो स्केल थे, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी मेन स्केल होते हैं और सर्कुलर स्केल होते हैं। यहाँ पर जो मेन स्केल है, ठीक है, जो मेन स्केल है उस पर भी जो है वो लाइनिंग हुई हुई होती है, रीडिंग आई हुई होती है, उसे हम कहते हैं स्लीव, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो स्केलिंग हुई हुई है, वो स्केलिंग किसके अंदर होती है, मिलीमीटर के अंदर होती है। और उसके अलावा जिस तरीके से हमें मूविंग स्केल भी है, मूविंग स्केल को जो है हम क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। और ये क्या होती है, होल सिलेंडर, होल और रॉड होती है, मतलब सिलेंडर होती है, सिलेंडर टाइप की होती है, होल होती है, अंदर से खाली होती है। इसके ऊपर भी जो है वो मेजरमेंट हुई हुई है और नंबर ऑफ डिवीजन में हुई हुई है, कितना डिवीजन हुई हुई है, 150 से 100 डिवीजन जो है उसके अंदर लाइनिंग हुई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर ये रेटचिट होता है, ये भी क्या करता है, मूव करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी 0.01 मिलीमीटर से छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी अगर हमें लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट करना हो तो इसके अंदर हम उसको रखते हैं और फिर उसकी मदद से उसका क्या करते हैं, डायमीटर और लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू क्या कहलाती है स्टूडेंट, कि इन्होंने लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। कि जो मेन स्केल है आपके पास, ठीक है, उसके मेन स्केल के ऊपर जो आपके पास लाइनिंग हुई हुई है, तो उन दो थ्रेड, उन दो लाइनों के बीच के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बीच के दरमियान जो दो लाइनें हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, पिच ऑफ द स्क्रू कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेन स्केल है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुई हुई है, लाइनिंग हुई हुई है, सही। तो इन दो लाइनिंगों के बीच के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपके पास, पिच ऑफ द स्क्रू कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। वो मिनिमम मेजरमेंट जो कि हम लीस्ट काउंट से मेजर कर सकते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज मतलब जो मिनिमम छोटे से छोटी मेजरमेंट जो हम लीस्ट स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हैं वो उसका क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कि पिच ऑफ द स्क्रू को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से तो आपके पास क्या निकल जाएगी, लीस्ट काउंट निकल जाएगा स्क्रू गेज का। सो स्टूडेंट्स, पिच ऑफ द स्क्रू हमने कैसे निकाली, पिच ऑफ द स्क्रू लीस्ट काउंट कैसे निकाला स्क्रू गेज का, पिच ऑफ द स्क्रू रखी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने अभी यह कहा कि पिच ऑफ द स्क्रू क्या है, कि टू एडजेसेंट लाइन यानी कि मेन स्केल की जो टू लाइन है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास पिच ऑफ द स्क्रू कहलाता है। और वो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो पिच ऑफ द स्क्रू में क्या आ गया, 1 मिलीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, अभी मैंने आपको बताया 100 डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो 100 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, जब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में अगर हम करें तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का आपके पास क्या है, 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स के अंदर हम देख लेते हैं कि कोई एरर तो मौजूद है या नहीं है। तो जीरो एरर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन क्लोजिंग द स्टड्स इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कंसाइड विद द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल देन द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर। एरर का मतलब क्या करेंगे, इसे वर्नियर कैलिपर में हम क्या करते थे, वर्नियर कैलिपर को बंद करके उसके अंदर देखते थे कि अगर मेन स्केल और जीरो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों की जो लाइनिंग है वो जीरो पे कंसाइड कर रही है, ठीक है, तो आपके पास उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। और अगर वो नहीं कर रही तो उसके अंदर क्या मौजूद है, एरर है। तो यही कह रहे हैं कि ऑन क्लोजिंग द स्टड आप उसको क्या करें, स्टड को क्लोज कर दें, ठीक है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, कि सर्कुलर स्केल का जीरो कंसाइड नहीं कर रहा, नहीं मिल रहा, नहीं टच हो रहा विद द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के ऊपर, तो आपके पास उसके अंदर क्या मौजूद है, उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। लुक एट द डायग्राम। अब डायग्राम को यहाँ देखें आप, ये आपके पास क्या है, सर्कुलर स्केल, और ये क्या है आपके पास, मेन स्केल है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो से अगर कंसाइड हो रहा होगा तो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है, और अगर नहीं हो रहा होगा
तो इसके अंदर एरर जो है वो मौजूद है। फिर बिल्कुल इसी तरीके से एरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। ऑन क्लोजिंग द स्टड, इफ द जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन ऑफ द मीन स्केल, देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एरर क्या होगा कि जब हम उसके स्टड को क्लोज कर देंगे तो इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, अगर जीरो सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, बिलो होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एरर होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव एरर क्या है आपके पास, ऑन क्लोजिंग द स्टड इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर विल बी नेगेटिव। कि बिल्कुल इस तरीके से कि स्टड को क्लोज करने के बाद, आप इनके स्क्रू गेज को क्लोज करने के बाद आपके पास सर्कुलर स्केल जो है उसकी जो रीडिंग जीरो है वो रेफरेंस लाइन के अबव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो आपके पास जो एरर है वो कौन सा है, नेगेटिव एरर है। ठीक, अगर ब्लो आ रहा है, जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के बिलो आ रहा है तो आपके पास पॉजिटिव एरर है, और अगर अबव आ रहा है तो आपके पास कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रूमेंट, आपको स्क्रू गेज जो है वो बिल्कुल सही समझ आ गया होगा और इसके अंदर एरर भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एरर कैसा होता है और नेगेटिव एरर जो है वो कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक, और इसके बाद आपकी बुक में जो है वो डायग्राम भी बनी हुई होगी स्क्रू गेज की, वो डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माय अनदर वीडियो विद माय अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।